ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ रहा है। ये जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन और देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर लियो। जी हाँ, सिंह राशि के लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ट्विस्ट एंड टर्न्स का कार्ड आ रहा है। ओवर प्लानिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, एंजल्स कह रहे हैं, ठीक है ना। और चीज़ों को नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए, और कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। मेक श्योर कि आप अपनी हेल्थ का भी ख्याल रख रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर रेस्ट भी ले रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि टाइम इज़ राइट, इट्स ओके, ठीक है। तो जब टाइम राइट होता है तो अपने आप चीज़ें ऑटोमेटिकली होती हैं, फिर वहाँ आपको बहुत ज़्यादा ना क्या बोलते हैं, एग्जैजरेट नहीं करना पड़ता, चीज़ों को बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना पड़ता, इट नेचुरली हैपन्स। तो वही कह रहे हैं एंजल्स, अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही हैं, पॉजिटिव वर्क आउटकम। सो आपको क्या करना है, बस पॉजिटिव रहना है, दैट येस ऑफ कॉल थिंग्स आर गेटिंग बेटर एंड गो फॉर वॉट यू वॉन्ट। एंजल्स कह रहे हैं टाइम इज़ राइट, अब चाहे वो कनेक्शन हो, चाइल्ड बर्थ हो, ठीक है, आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, आप कुछ परचेज कर सकते हैं, ठीक है, और कोई ऑफर, यू नो, ऑफर आ सकती है। सो ड्रेस वेल, एंजल कह रहे हैं कि ड्रेस वेल फॉर दैट स्पेशल ओकेजन। चलिए, ये हो गई ओवरऑल एनर्जी, ठीक है ना, जो भी सुन रहा है उसके लिए। अब हम रिलेशनशिप सेक्टर की बात कर लेते हैं लियो के लिए, व्हाट आर वी गेटिंग। सो एंजल्स कह रहे हैं दैट देखिए, आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा मुझे फायरी और पैशनेट एनर्जी दिखाई दे रही है, एंड दैट यू आर ट्राइंग टू बैलेंस, ऑफ कोर्स, लेट यू नो, लाइक यू आर ट्राइंग टू बैलेंस थिंग्स आउट, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स हो सकता है कि आप किसी से कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, ओपनली बात करना चाह रहे हो, नॉट अ फायरी एनर्जी, या शादी करना चाह रहे हो, या नो ऐसा कुछ। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, ओके, सो कुछ के लिए हो सकता है, ऑफकोर्स ये आपके स्पाउस हो सकते हैं, ऐसा होता है, कोई है जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा सुपर अट्रैक्टेड दिखाई दे रहा है। और मे भी हो सकता है कि अगेन मैं बता रही हूँ कि चॉइसेस हैं, कुछ तो है, देर इज समथिंग, ओके। ये जो पर्सन है ये क्या चाहते हैं आपसे, ओके, थोड़ी कोल्ड वाइब्स दे रहे हैं ये पर्सन, जगल कर रहे हैं। अब शायद हो सकता है, जगल का मतलब होता है अगेन कि ये कन्फ्यूज है, ठीक है, या हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई और है, या आपको लेके कंफ्यूज है, या ऐसी कोई एनर्जी है, या देर आर टू पीपल टू चॉइसेस, ओके, तो इन्होंने छोड़ दिया है इस चीज़ को। बट डीप डाउन आई थिंक वो फीलिंग्स हैं, वो इमोशंस हैं, कोई कुछ के लिए ये न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, कि कोई न्यू पर्सन है, ओके, दे कैन फील दैट इंटेंस इमोशंस, यस। और शायद हो सकता है कि आई थिंक इट्स अबाउट ये पर्सन डरे हुए हैं, या थर्ड पार्टी, यू नो, लाइक कुछ बात करना चाहते हैं आपसे ये पर्सन लियो, दे वांट टू टॉक अबाउट समथिंग, और ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। ये किस और ये रिलेशनशिप पर रहा है, आई थिंक यस, कुछ है, फियर है कुछ, या हो सकता है कि अंदर ही अंदर सोच रहा है लेकिन कोई स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर पा रहा, बहुत कुछ अंदर चल रहा है, हिडन है, लाइक कुछ अंडर कवर है, ठीक है ना, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। या तो क्लियर नहीं है रिलेशनशिप, वो स्मूथ नहीं है, एक थर्ड पार्टी कनेक्शन है, तो वही चीज़ हाईलाइट हो रही है कि कुछ बहुत सारी बातें हैं जो निकल नहीं रही हैं बाहर, ओके। एंड सो ठीक है, आपको टाइम देना होगा लियो, यू हैव टू गिव इट अ लिटिल टाइम, ओके, देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट यस। और आई थिंक प्रॉब्लम ही यही है इस रिलेशनशिप की, ये देख सकते हैं आप, थ्री अगेन, थ्री थ्री एनर्जी, दैट मीन्स कि एक्सटर्नल फैक्टर्स या इश्यूज हैं जो आप दोनों को आपस में वो बॉन्ड नहीं होने दे रहे, अदरवाइज आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा पैशन है, और इस तरफ ये पर्सन परेशान है, ठीक है, थोड़े निराश है, या हो सकता है साइलेंट है, या बहुत स्लो है, या एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है ना, वो चीज़ें हैं, या ये चीज कि कोई और भी है, ऑफ कोर्स और भी हो सकता है, और में भी ये भी है कि अपने काम को कई लोग बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, दे यू नो
कैरिड अवे हो जाते हैं बहुत जल्दी, तो अपने पार्टनर को उतना टाइम नहीं दे पाते, उनकी लाइफ में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं इम्पॉर्टेंट यू नो कि अपने पार्टनर के अलावा, ऐसी वाली एनर्जी भी है, हो सकती है। चलिए करियर वाइज लियो के लिए क्या दिखाई दे रहा है कि ओके सो हमारे पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है दैट गुड एनर्जी। आई थिंक सेविंग यू नो कोई डील के थ्रू यू कैन सेव मनी, आप किसी चीज के थ्रू मनी सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। और हो सकता है कि इट्स अबाउट लाइक कमिटमेंट, कमिटमेंट कह सकते हैं, या हो सकता है कि किसी के साथ कुछ मिलके काम कर रहे हैं कुछ के लिए, हो सकता है टीम वर्क यू नो कि कोई टीम वर्क मुझे दिखाई दे रहा है, पार्टनरशिप्स दिखाई दे रही हैं। तो बट जो भी है वो फ्रूटफुल हो सकता है ऑफ कोर्स, ठीक है ना। और आप किसी प्रॉब्लम में से निकल सकते हैं अपनी, या आपको कोई सॉल्यूशन यू नो लाइक यू यू कैन फाइंड अ सॉल्यूशन, आपको कोई सॉल्यूशन मिल सकता है। हाँ थके हुए हैं आप, हिम्मत हार रहे हैं, बट एंजल्स कह रहे हैं घबराइए मत, मनी इज ऑल्सो ऑन द वे कि देर इज यू नो मनी कमिंग इन, लॉट ऑफ मनी। सो आपको किस चीज पे फोकस करने की जरूरत है? ओके तो लियो को किस चीज पे काम करने की जरूरत है? लेट्स फाइंड आउट। गिल्ट, आई रिलीज एनी बिलीफ दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। तो एंजल्स कह रहे हैं कि जो भी है यू नो गिल्ट जो है आप कैरी कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर दिया आपने, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आई डोंट थिंक सो, आई थिंक आपको आगे बढ़ना चाहिए। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ऐसा कर सकते थे, अगर ये हो जाता तो, अगर ऐसा, इन चीजों को कोई फायदा नहीं है क्योंकि इट्स गॉन यू नो। तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ मैं ये कहूंगी कि आगे के लिए प्लीज फोकस कीजिए, आई चूज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड। तो लाइफ को इतना हैवी मत कीजिए सोच सोच के कि अरे ये है वो है, चूज द लाइटर यू नो कि थोड़ा सा लाइट रहना सीखिए, हैप्पी ह्यूमरस और हंसी मजाक थोड़ा बहुत एटलीस्ट कोशिश कीजिए, सो दैट कि आपके आसपास का, जब खुद आप हैप्पी रहते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके आसपास का एनवायरनमेंट भी हैप्पी रहता है, और जब आसपास का एनवायरनमेंट हैप्पी रहता है तो और ज़्यादा ये चीज़ बढ़ती बढ़ती बढ़ जाती है, और फिर आप वही चीज़ अट्रैक्ट करते हैं जिस एनर्जी में आप होते हैं। तो यू नीड टू बी इन दैट एनर्जी, अगर आप लाइफ में चाह रहे हैं ना कि वो चीज़ आए, वो हैप्पीनेस आए, वो खुशी आए, तो आपको भी उस चीज़ में रहना होगा। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग आप के लिए। हो सकता है कि इसमें बहुत सारे मैसेजेस हो, अपनी रीडिंग को पूरा सुनिए, और मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।